अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर शजा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, जैसे कि ईद गुजरी है, बहुत सारे लोग, क्योंकि बड़ी ईद थी और इसमें हम लोग कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी के जानवर का गोश्त जैसे कि घर पे भी रखा जाता है और अक्सर हजरात इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं ये वीडियो स्पेशली उन हजरात के लिए बनाना चाहती हूँ जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, जो जोड़ों के मसलों में मुबतला है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे टखनों में दर्द होती है, हील में पेन होता है, हमारे डिफरेंट जॉइंट्स में पेन होता है। वो डायग्नोज नहीं करवाते, वो अपना टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन असल में उनको यूरिक एसिड होता है। मैं अक्सर इसलिए कहती हूँ कि आप रूटीन में अपना चेकअप करवाया करें कि अगर तो आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो कि आपके टेस्ट रिपोर्ट से आपको आइडेंटिफाई होगी, डायग्नोज होगी, तो आप उसको इनिशियली कंट्रोल कर सकें, पकड़ सकें और उसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो आप कर सकें। तो स्पेशली ये मेरा मैसेज था कि वो लोग जिन्हें यूरिक एसिड है, काइंडली वो परहेज़ करें, वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मज़ीद जो है ये आपकी दर्दों को बढ़ा देगा, आपके मसलों को बढ़ा देगा, आपका यूरिक एसिड फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई रखते हुए चले, लिमिट में इस्तेमाल करें, बहुत एक्सट्रीम खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजाय कि आप लोग जो है बीमारी में मुबतला हो जाएं, मसलों में मुबतला हो जाएं, तो कोशिश करें कि इसको लिमिट में इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों से रिलेटेड कोई मसला है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और उससे जो है जॉइंट बहुत अफेक्ट कर गए हैं, उनकी सोजिश हो गई है जॉइंट के अराउंड और उनके लिए चलना फिरना मुश्किल है, तो हमारा नंबर है 0334004352 और हमारा क्लिनिक है DHA पंजाब सिटी लोअर में। हम लोग आपको इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बिना किसी दवाई और सर्जरी के। हम लोग जो है अपनी मशीनों के ज़रिए, अपनी टेक्निक्स के ज़रिए आपके जॉइंट्स को हील करते हैं, ट्रीट करते हैं और आपको जो है आपके डेली लाइफस्टाइल में एक्टिव करते हैं। तो जी, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि इस जो है ईद पे जो भी गोश्त वगैरह है उससे जो है परहेज़ करें। वो लोग जो ऑलरेडी प्रोन हैं, जिनको ऑलरेडी मसला है, वो स्पेशली वो परहेज़ करें। तो जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।